हेलो फ्रेंड्स, आप जो अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे हो ये हमारे बॉलीवुड के सिंघम। लेकिन क्या आपने रियल लाइफ सिंघम देखा है? तो चलिए आज मैं आपको रियल लाइफ सिंघम से मिलवाता हूँ। तो ये हमारी रियल लाइफ सिंघम राजेंद्र बारोट, ये डीएम है नंदरबार महाराष्ट्र में, जो गुजरात और एमपी के बॉर्डर से अटैच है। फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप जानते हो कि आज कोरोना की वजह से हमारे देश में लगभग हर रोज 4 लाख के आसपास केस देखने को मिलते हैं। इसी चीज को राजेंद्र जी ने बहुत पहले ही एंटिसिपेट कर लिया था। ये बात है सितंबर 2020 की, जब उन्होंने देखा कि उनका जो एरिया है वो एक ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है और यहाँ पर अगर पेंडेमिक की अगर सेकेंड वेव आती है। देखिए, उस वक्त तो हमारी गवर्नमेंट फर्स्ट वेव से जब रिकवर हुई थी और केसेस ड्रॉप डाउन शुरू हुए थे, लेकिन ये वो शख्स हैं जिन्होंने पहले एंटिसिपेट कर लिया था कि अगर सेकेंड वेव आई तो 150 बेड्स की जरूरत पड़ सकती है, कम से कम 2 ऑक्सीजन प्लांट की जरूरत होगी जिसकी कैपेसिटी होगी 2400 लीटर पर मिनट। और मैं आपको बता दूं, सितंबर 2020 में एज सच इस नंदरबार एरिया में कोई भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं था। तो आगे की परिस्थिति भांपते हुए इन्होंने 600 लीटर पर मिनट का एक ऑक्सीजन प्लांट लगाया और जैसे ही सेकेंड वेव आई और एक ही दिन में जब 1210 केस उनके जिले में से आए तो उन्होंने इसको बढ़ाने के लिए अपने एफर्ट्स लगाना शुरू कर दिया। इन्होंने एक परफेक्ट ब्यूरोक्रेट की तरह काम किया। इन्होंने आसपास के जितने भी अनयूज्ड स्कूल थे, स्कूल तो पेंडेमिक के टाइम पे बंद ही थे, और कम्युनिटी हॉल को उन्होंने कोविड सेंटर में ट्रांसफॉर्म कर दिया। इन्होंने 7000 बेड्स आइसोलेशन वार्ड्स के लिए रखे जबकि 1300 बेड्स को आईसीयू और वेंटिलेटर की फैसिलिटी प्रोवाइड। और उनकी एफर्ट्स का ही नतीजा है कि आज मई 2021 तक अप्रोक्सीमेटली जो 45 एज से ऊपर के लोग हैं उनकी कुछ पॉपुलेशन होगी 3 लाख, जिसमें से 1 लाख लोगों को ये ऑलरेडी वैक्सीनेट कर चुके हैं। वैक्सीन को लेकर जो मिसकन्फ्यूजन लोगों के बीच में था इसको इन्होंने पहले ही एंटिसिपेट कर लिया था। इन्होंने आसपास के गाँव के और जितने भी सरपंच थे, जितने भी टीचर्स थे, इन सबको हायर किया, इनकी एक क्लास लगाई और इन सबको समझाया कि लोगों को जागरूक किया जाए। और फिर बाद में इन्होंने 16 व्हीकल्स एलोकेट किए और ये व्हीकल्स खुद गांव में जा जाके लोगों को वैक्सीनेट कर रहे थे। फ्रेंड्स, मैं तो कहूँगा इनको मेरा सल्यूट है जिन्होंने इतना बढ़िया काम किया। फ्रेंड्स, ये हैं हमारे ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है। एक और ब्यूरोक्रेट्स हैं शैलेश कुमार यादव। शैलेश कुमार यादव, मैं आपको बता दूँ, डीएम है त्रिपुरा के। अभी हमारे देश में नाइट कर्फ्यू जैसे हालात सभी जगह पर देखने को मिलते हैं। इसी बीच हमारे डीएम साहब एक मैरिज सेरेमनी में जाते हैं, रात को 10:15 का कुछ टाइम था, और उन्होंने वहाँ पे जितने भी लोग थे उन सबको डांट फटकार लगाई और शादी का प्रोसेस शुरू करवाया। उनका इंटेंशन गलत नहीं था, लेकिन उनका जो एग्जीक्यूशन था वो बिल्कुल हम लोग उसे सही नहीं कहेंगे। बाद में इसके लिए उन्होंने माफ़ी भी मांगी। इसी बीच ट्विटर पे डॉक्टर सोहिल मखवाना, इनका फोटो भी काफ़ी वायरल गया। फ्रेंड्स, ये GMERS हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के पोस्ट पे अपॉइंट है जो धारपुर पाटन में है। वैसे तो आपको कह दें कि हम लोगों को मास्क पहनने में बहुत डर लगता है, लेकिन जरा आप ये फोटो देखिए, PPT किट निकालने के बाद ऐसी हालत होती है हमारे डॉक्टरों की। ये 4 to 6 आवर्स यूरिनेट नहीं कर सकते, पानी तो चलो ठीक है पी लेते हैं, खाना नहीं खा सकते। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं, एक बार PPT किट निकाल देते हैं तो उसके बाद हम लोग दोबारा यूज नहीं कर सकते। बस लास्ट में मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि मई महीने बीमार मत पड़ना, क्योंकि हमारे देश की हॉस्पिटलों की कंडीशन क्या है वो हम सब लोग जानते ही हैं। मैं सल्यूट करूंगा उन टीचरों को जो कोरोना से पॉजिटिव हुए, उन्होंने अपने आप को अपने घर में आइसोलेट किया और ठीक भी हुए। लेकिन हमारे सब साथ इतने लकी नहीं थे, कुछ हमारे साथ ऐसे थे जो हमारे बीच में नहीं रहे। फ्रेंड्स, मैंने दोनों वैक्सीन लगवा लिए पर अब भी मैं मास्क पहनता हूँ, और आप लोग भी तुरंत जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाइए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।